अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो ये वीडियो है मेरी, छोटी सी हो या बड़ी सी हो, बट होगी बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट कीज। एलिस्ट्रेटर की सारी शॉर्ट कीज बता दूंगा, हो सकता तो पूरा ही बता दूंगा कि आपको शॉर्ट कीज कौन कौन सी ज़्यादा यूज़ में करनी चाहिए और कौन कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, कौन कौन सी ज़्यादा। और इससे आपका एक मेन बात और भी है, इससे आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आपका जितना 10 मिनट का काम है तो वो 5 मिनट के अंदर पूरा पूरा हो जाता है। ये बहुत डिफरेंट है, मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन को। और आज मैंने अपना कंप्यूटर भी खोल के रख लिया है और ऑनेस्टली सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ मैंने कर लिया है, बस सिंपल आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन और उसके अंदर आपको सिखाने वाला हूँ शॉर्ट कीज। तो आइए फटाफट से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं आपको सिखाने के लिए। अगर आपको जानना है तो यार वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है भाई। ये बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने का नहीं बोल रहा आपको, सिंपल बस एंड तक वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले जो हमारी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल एन, जिसकी मदद से आप अपना आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, फाइल के अंदर जा सकते हैं एंड यहाँ से न्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसी के बराबर में कंट्रोल एन भी लिखा हुआ है। यहाँ पर सिंपल मैं शॉर्ट की बताने वाला हूँ आपको, तो सिंपल कंट्रोल एन क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है एक न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। यहाँ पर आप अपना नाम सेव कर सकते हैं जो भी अगर आप देना चाहें, जैसे मैं दे देता हूँ क्लास। और यहाँ से आप अपना प्रोफाइल दे सकते हैं, जो भी एक्स वाई जेड आप देना चाहें वो दे सकते हैं और यहाँ से सिंपल आप ओके कर सकते हैं। अगर आपने आर्टबोर्ड वाली क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं अगर हो सका तो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गाइस, सबसे पहले हमारी शॉर्ट की ये हो गई और दूसरी जो शॉर्ट की है वो है हमारी कंट्रोल एन। इससे क्या होता है, सिंपल आपका अगर जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ हुआ है पहले से ही टेम्पलेट, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, आप उसको वापसी यहाँ पर ला के रख सकते हैं। कैसे, शिफ्ट कंट्रोल एन क्लिक करेंगे सिंपल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कोई सा भी टेम्पलेट यहाँ से उठाकर कोई भी रख सकते हैं सिंपल, ठीक है। अब मैंने आपको कितनी शॉर्ट की बता दी, दो। तीसरी हमारी आ जाती है यहीं पर क्लोज एंड यहाँ पर सेव, सेव एज, सेव एंड कॉपी, सेव एज टेम्पलेट, लेकिन इसके आगे शॉर्ट की नहीं है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर सेव एज फॉर वेब, ठीक है, ये सारी हमारे पास शॉर्ट की दी हुई है इसके अंदर। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो फिर भी मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ, बट अभी भी मैं आपको चलाने का तरीका सिखा रहा हूँ तो इसलिए सीख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये जो सारी हैं, ये सारी हैं हमारे पास ऑफ। ये ऑफ इसलिए हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। ये भी ऑफ है हमारे पास, ठीक है, और अल्लाह भला करे ये भी हमारे पास ऑफ है। बाकी आगे हमारे पास यहाँ पर सारी दी हुई होती है, ठीक है ना। सारी शॉर्ट कीज हमें यहाँ पर विंडो में भी होती हैं और यहाँ पर व्यू में भी होती है। हेल्प में क्या होगा, हेल्प में सिर्फ आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक शॉर्ट की है बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, कंट्रोल एन डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्ट की, और उसके बाद जो हमारी दूसरी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस क्लिक करेंगे तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, बट उससे पहले अगर आपके पास कुछ बना हुआ नहीं है तो बनाएं, जैसे ही आपका बन जाएगा तो उसके बाद आप सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कंट्रोल एस क्लिक कर दें तो सिंपल यहाँ पर आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखते हैं और यहाँ से सिंपल सेव कर दें। ये मैं करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पर और यहाँ पर नाम भी सही है और सेफ। तो गाइस, अगर आपको अभी थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी जो मेरा जो पहले जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर था डेस्कटॉप का, तो वो अभी थोड़ा सा मसला कर रहा है, इस वजह से मैंने दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोली हुई है। हो सकता है यहाँ पर आपको शायद वाटर मार्क भी दिख रहा हो, बट अब क्या करें, अब नहीं खुल रहा था, ठीक है। एक तो हो गई आपकी, और अब दूसरी वाली है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एस क्लिक करना, ठीक है। यह बड़ी होती है, इससे आपको सिंपल आप यहाँ पर मोबाइल के अंदर अगर रखना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे भी लगा सकते हैं आसानी के साथ, और बहुत सी वेबसाइटों के लिए भी आप ये ले सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल का भी थंबनेल बनाता हूँ तो इसी से बनाता हूँ, इसी से मैं सेव कर लेता हूँ सिंपल यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे गए, यहाँ पर दोबारा से मैंने डेस्कटॉप पे लगा दिया और सिंपल सेव कर दिया, ठीक है। तो गाइस, ये हो गई हमारी चार शॉर्ट कीज, और उसके बाद भी बहुत सारी यहाँ पर हमारे को शॉर्ट कीज दी हुई हैं फाइल्स के अंदर जाके। यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं कंट्रोल डब्ल्यू से, और ये बिल्कुल आसान है। ये सबसे मैं एंड में दिखाऊंगा कंट्रोल डब्ल्यू करके, क्योंकि अभी मेरे को बंद नहीं करना, अगर बंद कर दिया तो खोल दूंगा तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर पेस्ट का भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल पी, ये देखिए शिफ्ट कंट्रोल पी प्रेस कर दिया। अब यहाँ से आप कोई भी अपनी पिक्चर उठाएं और लगा दें यहाँ पर सिंपल, ये तो ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ड्रैग कर दें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपकी एक पिक्चर ये दे देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल एक्सपेंड ये कर देना, ठीक है, उसके बाद ये आपकी रेडी हो जाएगी पिक्चर।
ये सिंपल मैंने अभी डिलीट कर दिया इसको, क्योंकि मेरा इसका काम नहीं है। सिंपल आपको बस शॉर्ट कीज के बारे में बताना है, तो शॉर्ट की के बारे में बता रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ और सा डॉक्यूमेंट चाहिए जो मेरे पास अभी कंप्यूटर के अंदर सेफ है, तो उसके लिए कंट्रोल ओ क्लिक करें। तो सिंपल यहाँ से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं, और कोई भी यहाँ से, जैसे कि मैं अपनी फाइल के अंदर जाता हूँ, और जैसे कोई भी तस्वीर उठानी हो यहाँ से आप सिंपल उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है वो है, अल्लाह भला करे, आपका कॉपी। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो है मेरी इसकी कॉपी कर लूँ, कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ आप कर सकते हैं। बट एक और जनरल तरीका है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल को दबा के रखें और ऐप दबा दें, बस ये आ गई आपकी कॉपी, ठीक है। ये मसला नहीं आ रहा, तो एक शॉट की और बता रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक ये आपने बना लिया। अब ये आप चाह रहे हैं कि ये ना वापसी इधर आ जाए, ठीक है, तो कंट्रोल जेड, ये अभी भी कॉपी है हमारे पास, ठीक है ना। एक दफ़ा दबा दिया, दूसरी दफ़ा दबा दिया, अब ये सिंगल हो जाए, ठीक है। तो ये भी हमारी शॉट की हो गई क्लियर। अब इसके अंदर हमारे पास जो डुप्लीकेट का है, मतलब कॉपी का जो है, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी क्लिक करके भी आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। ये तो हो गई हमारी छोटी छोटी सी शॉर्ट कीज, और ऑनेस्टली आज छोटी सी शॉर्ट कीज ही हैं हमारे पास, ज़्यादा कोई बड़ी है भी नहीं। तो सिंपल छोटी पे थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट कर लें, ताकि आपको समझ में आ रहा है, बस मुझे उम्मीद है। और अगली जो हमारे पास शॉर्ट की है वो है टैक्स टाइप टूल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी आप जाएँ वहाँ पर आपको सबकी शॉर्ट कीज नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना, जिस जिसकी होंगी वो आपको नज़र आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट कीज भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ये हमारी है ये सारी ऑन क्यों नहीं है, ये इसलिए ऑन नहीं है, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बना हुआ हो तो जाके ये ऑन होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप का आ गया। अनलॉक इसलिए वो हुआ हुआ है क्योंकि अभी ये लॉक नहीं है। अब लॉक कर देंगे तो फिर ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक भी कर सकते हैं। ये किस तरीके से करेंगे ये देखें। अब इसको आप चाह रहे हैं कि ये अब मूव हो, अब लॉक का कोई काम नहीं है, तो ऑल्ट कंट्रोल टू प्रेस कर दें, और उसके बाद ये हो जाएगी हमारे पास अनलॉक। और यहाँ पर आप इसी कहीं पर भी इसको